आज मैंने जो सब्जी बनाई है मेरे घर में सभी को तो बहुत ही पसंद आई है। तो उम्मीद है कि आप भी अगर बनाएंगे तो आपको भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से बन भी जाता है। तो ये नेनुआ लेंगे, अच्छे से इसको छील लेंगे और छील करके इस तरीके से हम काट लेंगे। और अब क्या करेंगे, कढ़ाई में तेल गरम करेंगे, सरसों का तेल गरम करेंगे और उसमें डालेंगे हम 1 चम्मच सरसों, पीली वाली सरसों जो आती है ना वो हम डालेंगे। एक बारीक कटा हुआ बड़ा सा प्याज डालेंगे। थोड़ा सा इसमें प्याज डालिएगा तो उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। फिर क्या करेंगे, नेनुआ डाल देंगे, इसमें सारे नेनुआ हम डाल देंगे। फ्लेम को रखेंगे हाई और हाई फ्लेम पर इसे हम पकाएंगे। तो इससे क्या होगा, जो नेनुआ में क्या होता है ना, बहुत ही ज़्यादा पानी छोड़ता है। तो फ्लेम को हाई रखिएगा और फिर इसे अच्छे से हम मिला लेंगे। इसमें अगर आप चाहें तो मेथी, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप मेथी भी, थोड़ा सा सरसों और मेथी डाल सकते हैं। मिर्ची खाते हैं तो थोड़ा सा मिर्ची डाल दीजिए। मैं मिर्ची नहीं खाती हूँ तो मैंने नहीं डाला है। और अब इसको अच्छे से हम मिला लेंगे और फिर क्या करेंगे, इसे हम थोड़ी देर के लिए ढक देंगे और ढक के फ्लेम को हाई ही रखेंगे। अब हम देख लेते हैं। तो देखिए ये एकदम से आधा जो पूरे कढ़ाई भरा हुआ था एकदम आधा हो गया है। फिर मैंने शुरू में इसमें नमक नहीं डाला है। शुरू में ही आप नमक डाल दीजिएगा तो फिर बहुत ही ज़्यादा पानी छोड़ेगा। अब हम इसमें थोड़ी सी नमक डालेंगे और थोड़ी सी हल्दी पाउडर डालेंगे और इसे अच्छे से हम मिला लेंगे। बस सिंपल सी सब्जी है पर आपको इसका जो टेस्ट आएगा ना, रोटी चपाती के साथ खाइए, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर इसे थोड़ी देर के लिए ढक देंगे या ढक के फिर पकाएंगे। अब देखिए बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है, ये बिल्कुल अच्छे से पक गया है। अब क्या करेंगे, इसे कलछी से हम मैश करते हुए भूनेंगे। इसे 10 से 15 मिनट, जब तक इसका पानी ना सूख जाए तब तक, अब फ्लेम को हम हाई ही रखेंगे। और आप देखिए बहुत ही अच्छे से मैश हो गया है। और अगर आपको इसी तरीके का रखना है तो आप गैस बंद कर दीजिए। और ये बहुत ही सिंपल सी आसान सी सब्जी, नेनुआ की सब्जी बनके तैयार है। आप इसे नेनुआ का भुजिया भी बोल सकते हैं, जो बनके तैयार है। बहुत ही ज़्यादा देखने में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है और खाने में तो इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब है। मेरे घर में तो सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद है और आपको भी पसंद आएगा। एक बार आप बना करके देखिएगा, सिंपल सी आसान सी रेसिपी। तो फिर खाइए पीजिए, मस्त रहिए और मेरी रेसिपी को ट्राई करते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।